कपड़े भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी फीमेल पार्टनर साड़ी वगैरह में है तो और ज़्यादा बेटर है, और आपको भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बहुत कंफर्टेबल पेस की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको चरमोत्कर्ष भी महसूस हो सकता है, बिकॉज ये बड़ी ज़बरदस्त पोजिशन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान में। मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, आपके बहुत से सवाल आए हैं हमारे पास, बहुत से कमेंट्स आपने किए हैं, बहुत से क्वेरीज आई हैं, कई पोजीशन को लेकर के हैं, और पोजीशन पे मैंने बहुत से वीडियोस बना करके आप तक भेजा है और आगे भी भेजते रहूँगी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के बात करने जा रहे हैं वो है स्टैंडिंग पोजीशन। जी हाँ, अब आप पूछेंगे ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप दोनों ही खड़े होते हैं, और यदि आपकी फीमेल पार्टनर का वज़न हल्का है, थोड़ी सी छरह रही है, तो और आपके वज़न से अगर आधी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पोजीशन है ये। इसमें क्या होता है कि आप उन्हें पूरी तरीके से अपनी गोद में उठा सकते हैं, वो अपने पूरे कमर को आपकी कमर के पास पूरी कैंची के रूप में आपको पूरी तरीके से पकड़ सकती हैं, और आप फिर उन्हें पुशअप कर सकते हैं, और उनका जो दोनों हाथ होगा वो आपके कंधे पे होगा। आप फिर भी आप पिक्स देख सकते हैं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है। स्टैंडिंग पोजीशन में जो महिला है उसका भार तो पुरुष पर आता है, परंतु पुरुष का भार महिला पर नहीं जाता। वो आपकी सारी हरकतों को बड़ी बारीकी से देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, आप कितनी शिद्दत से उन्हें चाहते हैं ये भी महसूस हो जाता है जब आप इस पोजीशन में उनको ले आते हैं, और बहुत गहराई से यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो इस पोजीशन के दौरान बिल्कुल समझ में आ जाता है। दोस्तों, स्टैंडिंग पोजीशन में ही कई कई बार ये होता है कि जब आप खड़े हैं तो आपको यानी आप मेल को और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको चरमोत्कर्ष भी महसूस हो सकता है, बिकॉज़ ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जिनको भी अपनी एक रूटीन लाइफ बड़ी बोरियत सी फील होती है, वो स्टैंडिंग पोजीशन का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। दूसरा, इस पोजीशन के लिए आपको कहीं ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप घर के अंदर ही हैं, कहीं और मतलब किसी ऐसी जगह पर हैं, ये क्योंकि ये पोजीशन खड़े खड़े भी हो सकती है, तो आप इस पोजीशन का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो भी, किसी रिजॉर्ट्स पे गए हैं, कहीं छुट्टियों के लिए गए हैं और अचानक आपका मन हो गया, तो आप इस पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको कई कई बार कपड़े भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी फीमेल पार्टनर साड़ी वगैरह में है तो और ज़्यादा बेटर है, और आपको भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बहुत कंफर्टेबल प्लेस की ज़रूरत नहीं है, आउटडोर है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, मूड अगर कर गया तो उस टाइम के लिए भी ये एक बेहतरीन पोजीशन है। एक दूसरे का बोझ एक दूसरे पर नहीं आता। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो उनका बोझ आप पर आ सकता है, लेकिन उन पर आपका बोझ बिल्कुल नहीं जाता। आपकी सारी गतिविधियाँ उनको साफ नज़र आती हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। आप एक दूसरे के सिमिलर खड़े होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप गोद में उनको नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं। सिमिलर होने पर क्या होता है ना कि न तो उनका बोझ आप पर, न तो आपका बोझ उन पर, और एक दूसरे को शिद्दत से गले लगाया जा सकता है, प्यार से महसूस किया जा सकता है स्टैंडिंग पोजिशन में। कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं से भी। आपके अंदर की सारी हरकतें, जितना भी आपकी ग्रंथियां हैं, जो भी इस वक्त बिल्कुल मुक्त होना चाहती हैं, वो बिल्कुल उनमें सीमित हो जाती हैं, वो बिल्कुल असीमित प्रेम अगर आप उन पे लुटाते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ज़्यादातर लोग जो भी बाहर होते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन का ही इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आप बहुत जल्दी में हो और अगर आपको लगता हो कि नहीं भाई, हमें ये काम करके निपटा लेना चाहिए है, बहुत कहीं कोई किसी के आने का डर है, कहीं कुछ भी ऐसा है कि नहीं भाई अब जितना जल्दी हो सके इस काम को कर लेते हैं, मुझे भी लेट हो रहा है, तुम्हें भी लेट हो रहा है और हम दोनों को कहीं जाना भी है, उस टाइम के लिए ये एक बेहतरीन पोजीशन है। तो मन में अगर किसी प्रकार का कहीं डर है, बहुत घबराहट है, कहीं आना जाना भी है और बहुत जल्दी में आपको एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना है, तो उस टाइम के लिए एक बेहतरीन पोजीशन है। तो इस पोजीशन के फ़ायदे ये हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर का तो उन पर आप पर बोझ आता है, लेकिन आपकी फीमेल पार्टनर पर आपका बोझ नहीं जाता। अगर वो सीधे इस पोजीशन में आके खड़ी होती हैं आपके साथ तो, और अगर सीधे खड़ी रहती हैं तो और अच्छी बात है। आपको किसी बेड को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर अगर आप हैं तो उस टाइम के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। क्लॉथ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके आप सब कुछ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है यदि आप कहीं आउटडोर में हैं तो, उस टाइम के लिए ये मेरा ये मानना है कि सबसे बेस्ट पोजीशन है। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब कभी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी डिजीज़, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यूज़ नज़र आते हैं, कुछ भी और भी जो भी प्रॉब्लम है,
रिलेशनशिप को लेकर के और कुछ भी इंटरनल और भी प्रॉब्लम को लेकर के, तो प्लीज़ आप ऐप स्टोर पे जाकर के हमारे कॉल मी फॉर ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और आप उसके माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे, आपके हर सवाल का पूरा बकायदे उत्तर दिया जाएगा। जो भी क्वेरीज़ है मैं उसका समाधान करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही एक चीज़ और, अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।